किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भोपाल और रायसेन के 214 किसानों के खातों में 1,60,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और दोनों जिले के 6 किसान उपस्थित थे। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि उपज मंडी समिति रायसेन में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि उपज धान के 222 किसानों की 2,02,00,000 रुपए की राशि का भुगतान लंबित पाया गया था। उन्होंने बताया कि किसानों के अभिलेखों का परीक्षण किया, पात्र पाए गए 169 किसानों के खातों में 1,24,00,000 रुपए की राशि अंतरित की गई। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति भोपाल में भी 107 किसानों की 73.48 लाख रुपए की राशि का भुगतान लंबित पाया गया था। अभिलेखों के परीक्षण के बाद 45 कृषकों के खाते में 36 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। तो उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद था, एक क्षेत्र खुला था सिर्फ खेती, और किसान का भी अगर लॉकडाउन हो जाता तो दोनों टाइम का भोजन हमको कहाँ से मिलता, सब्जी दूध कहाँ से, देश जिंदा कहाँ से रहते 130 करोड़। इसलिए 130 करोड़ जनता को जिंदा रखने वाला कोई क्षेत्र है तो किसान, इसलिए किसान के चरणों में प्रणाम। देश की अर्थव्यवस्था, देश की रीढ़ है किसान। अगर किसान खेती नहीं करता तो अभी सब बंद थे, सिर्फ किसान के कारण सरकार और देश खड़ा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।